खबर है सूरत की। चेन्नई के शाते ठग पलक दुरई ने सूरत के 8 और व्यापारियों से 1 करोड़ रुपए उधार कपड़ा खरीद कर पैसों का भुगतान नहीं किया होने का मामला सलाबतपुरा थाने में दर्ज हुआ है। मामले की सच्चाई की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। सलाबतपुरा पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उदना मकदल्ला रोड स्थित बादसल्य बंगलोज निवासी रूपाराम बिखाजी चौधरी कपड़ा व्यापारी हैं। उनकी रिंग रोड स्थित न्यू टीटी टेक्सटाइल मार्केट की संख्या नंबर H1001 में मुकेश ट्रेंड्स LLP के नाम से दुकान है। चेन्नई का ठग व्यापारी पलक दुरई सूरत में समय समय पर आता था। उसने 3 साल पहले रूपाराम से 17.56 लाख रुपए का कपड़ा उधार लिया था, लेकिन पलक ने पैसों का भुगतान नहीं किया। इसके अलावा आरोपी पलक ने संपत लाल शाह से 6.51 लाख, मदन लाल चौधरी से 4.93 लाख, हुकम राम से 21.69 लाख, पंकज भाई से 32.71 लाख, श्रेया जाजू से 3.04 लाख, रतन लाल से 5.68 लाख, जीमी मेहता से 8.40 लाख तथा अमित भाई से 3.05 लाख रुपए सहित कुल 1,03,57,673 रुपए का कपड़ा उधार लिए और रुपए का भुगतान नहीं किया। रूपा राम ने पलक दुरई के खिलाफ सलाबतपुरा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। पलक के खिलाफ 1 हफ्ते पहले 1 करोड़ रुपए और 2 साल पहले 4.17 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस ने अग्रिम जांच शुरू कर दी है।